नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के नए डीजीपी आलोक राज एक्शन में हैं। परसों उन्होंने पदभार लिया था, जिसके बाद कल उन्होंने आईजी मुख्यालय पटना में पहुंचकर बैठक की थी, जिसके बाद अब वो मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। आज सुबह से मुजफ्फरपुर में थे। वो मुजफ्फरपुर में पहले अपने गांव पहुंचे और गांव वालों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। गोपालपुर में पहुंचे थे। गोपालपुर नेउरा, जो सरैया प्रखंड का एक गाँव है, वहाँ पहुँचे थे। पृथक गांव है उनका और वहाँ पर वो पहुँचकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में भी गए थे और फिर सर्किट हाउस पहुँचे थे, जिसके बाद एसएसपी कार्यालय पहुँचे थे। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय पहुँचे और तमाम अधिकारियों को बुला लिया और मीटिंग की है। मुजफ्फरपुर के बिंदु पर मीटिंग की गई है। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से क्राइम ग्राफ होता है, किस तरीके से जमीन को लेकर कितनी हत्याएँ हो चुकी हैं। हाल ही में आशुतोष शाही जो की हत्या हुई थी, लंबा वक्त हो गया लेकिन बड़ा हत्याकांड था, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, एक्शन लिया गया था। इसके बाद अब डीजीपी आलोक राज ने मुजफ्फरपुर से शुरुआत की है और मुजफ्फरपुर के बिंदु पर उन्होंने विशेष बैठक की है। काफी देर तक ये बैठक चली है, जिसमें मुजफ्फरपुर के एसपी, सिटी एसपी, साथ ही साथ जो एसडीपीओ हैं वो भी शामिल थे और मुजफ्फरपुर के बिंदु पर गहन चिंतन किया है उन्होंने और साफ साफ कहा है, जिसके बाद बैठक के बाद उनका साफ साफ कहना है, मुजफ्फरपुर के बिंदु पर चिंतन किया गया है। मुजफ्फरपुर बिंदु पर अपराध को कैसे रोकना है, कैसी कार्रवाई करनी है, उसको लेकर चिंतन मंथन किया गया है। कैसी पुलिस कार्रवाई करेगी, तो मुजफ्फरपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि डीजीपी आलोक राज ने मुजफ्फरपुर से शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर के अपराधी अब बचेंगे नहीं, क्योंकि शुरुआत डीजीपी की मुजफ्फरपुर से हुई है। मुजफ्फरपुर उनका घर भी है सरैया प्रखंड में। ऐसे में बड़ी शुरुआत की गई है। जिले की बात करें तो जिले से मुजफ्फरपुर पहला जिला जिससे शुरुआत की गई है और उन्होंने साफ साफ कहा था पहले ही दिन जब उन्होंने प्रभार लिया, साफ साफ कहा था कि 6 मूल मंत्र हैं मेरे और 6 मूल मंत्र पर बिहार पुलिस काम करेगी और बिहार पुलिस बेहतर काम करेगी। साफ साफ कहा था कि बिहार पुलिस ऐसी कार्रवाई करे कि अपराधियों में खौफ पैदा हो, खौफ हो, अपराधी डरे। तो मुजफ्फरपुर पहुँच कर उन्होंने देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया था और उन्होंने काफ़ी देर तक मीटिंग की है, जिसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के नए डीजीपी आलोक राज एक्शन में है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मुजफ्फरपुर जिला आकर यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनके उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत कार्य योजना बनाई जाएगी। धन्यवाद, जय। तो आपने सुना कि बिहार के नए डीजीपी आलोक राज ने क्या कुछ कहा, एक्शन में है बिहार के नए डीजीपी। मुजफ्फरपुर में उन्होंने अचानक बैठक की है और आला अधिकारियों को एसएसपी कार्यालय बुलाया था, मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय बुलाया था, जहां एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अवधेश दीक्षित सहित तमाम जो एसडीपीओ हैं वो भी थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, बेहतर पुलिसिंग की जाए और कहीं कोई मामला आता है उसे दर्ज कर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि अपराधियों में खौफ हो। पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था, जिसके बाद वो लगातार एक्शन में हैं और एक्शन देखने को भी मिल रहा है। अब देखना होगा कि अपराधी क्या खौफ खाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं बिहार में, सवाल उठ रहा था क्राइम को लेकर। ऐसे में मुजफ्फरपुर से शुरुआत की गई है। मुजफ्फरपुर आप जानते ही हैं कितना बड़ा जिला है और साथ ही साथ क्राइम के मामले में मुजफ्फरपुर का क्या इतिहास रहा है वो आप और हम सब जानते हैं। मुजफ्फरपुर का क्राइम का ग्राफ क्या रहा है, क्या नहीं रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर से डीजीपी की शुरुआत हुई है और डीजीपी ने सभी को मूल मंत्र दिए हैं, 6 मूल मंत्र दिए हैं, इस पर बिहार पुलिस काम करेगी और अपराधियों में खौफ पैदा होगा सीधे सीधे। तो मुजफ्फरपुर के अपराधियों को लेकर बड़ी खबर है, अब अपराधियों को लेकर खबर है, क्योंकि डीजीपी ने एक्शन दिया है तो अपराधी क्या करेंगे अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि डीजीपी ने मुजफ्फरपुर से शुरुआत की और मुजफ्फरपुर में जमीन माफिया को जानते ही होंगे आप, मुजफ्फरपुर में किस तरीके से जमीन माफिया का नेक्सस है उसको लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और अब देखना होगा कि
क्या कुछ बिहार पुलिस एक्शन लेती है? डीजीपी आलोक राज के नेतृत्व में बिहार पुलिस क्या बेहतर करती है? अपराधियों पर कैसे लगाम लगा पाती है? लेकिन बिहार पुलिस को डीजीपी ने खुली छूट दे दी थी कि अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई करें कि खौफ पैदा हो। पहले ही दिन उन्होंने कहा था, इसका आप देखने वाली बात होगी बिहार पुलिस क्या कुछ करती है। फिलहाल बने रहिए लाइव फिटनेस के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।